नौसेना दिवस है। इस अवसर पर अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने सदियों से इस द्वीप समूह की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने और प्रशासन के विभागों में गैर स्थानीय लोगों की भर्ती के मुद्दे पर सभी से निस्वार्थ भावना से आवाज उठाने की अपील की है। भारतीय बागवानी सोसायटी के अध्यक्ष पद्मश्री के एल चड्डा ने कहा है कि द्वीप समूह में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करनी चाहिए। चक्रवर्ती तूफान लहर के बाद सोमवार दक्षिण अंडमान में क्षतिग्रस्त मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों को ठीक कर बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर दी गई है और एमडी अकबर कोलकाता के दूसरा द्वीप चलने के लिए प्रस्थान करेगा। समाचार अभिसंत में कृष्ण कुमार विश्वेंद्र के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। आज नौसेना दिवस है। इस अवसर पर अपने संदेश में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने सदियों से इस द्वीप समूह की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना ने द्वीप समूह की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है और पड़ोसी नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना का समय समय पर अभ्यास उसे और सुरक्षित करती है। राज्यपाल ने कहा कि सैनिकों और जनता के एकजुट प्रयासों से हम इस द्वीप समूह को और सुरक्षित बनाने के प्रयास में तत्पर रहेंगे। उधर अंडमान जिला कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल पी के रॉय ने अपने संदेश में सभी सैनिक कर्मियों को नौसेना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि आज विश्व में भारतीय नौसेना ने देश को गौरवान्वित किया है और मित्र देशों के साथ शांति और सद्भावना कायम रखने में हमारी नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार कमान की एक प्रमुख अंग है और समुद्री पर्यावरण तथा भारतीय सीमाओं की रक्षा करने में इनके अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने और प्रशासन के विभागों में रोजगार के लिए गैर स्थानीय लोगों की भर्ती के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और संबंधित लोगों से स्वार्थ ऊपर उठकर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। सांसद की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने इस ज्वलत मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है जिसके परिणाम स्वरूप आज स्थानीय लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सार्वजनिक रोजगार अधिनियम ही भारी लोगों को नौकरी देने से रोकने का एकमात्र विकल्प है जिसे संबंधित अधिनियम के तहत सुलझाया जा सकता है। सांसद ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों तथा पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों से अपील की है कि वे इस मुद्दे के समाधान के लिए एकजुट होकर 8 दिसंबर को अंडमान तमिलनाडु संगम में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाली बैठक में अवश्य भाग लें। अंडमान निकोबार प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के लिए कल से पहले राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर सैगो कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रतिभागी कर्मचारियों से स्वेच्छा और बिंदु से हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया तथा प्रतिभागियों से सरकारी कार्यों में सरल हिंदी का प्रयोग करने को कहा। 2 दिवसीय कार्यशाला में सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा नियम हिंदी में गुरु से शिक्षण और आलेखन हिंदी व्याकरण और तकनीकी शब्दावली की जानकारी दी जा रही है। कार्यशाला का आज शाम 3 बजे उद्योग निदेशालय के सभागार में समापन होगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सम्मेलन कक्ष में कल साइंस में संस्था निदेशक डॉक्टर सी आर दत्ता व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। आजीविका और मोटाहार सुरक्षा के बागवानी विषय पर आयोजित उस व्याख्यान माला में विख्यात वैज्ञानिक और भारतीय बागवानी सोसायटी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर सी एन चड्डा ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जीवों में सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करनी चाहिए और बागवानी पशु योजना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। कृषि सचिव रोहित सयान ने कहा कि कृषि नीति में डॉक्टर चड्डा की बातों को ध्यान में रखा जाएगा। भाषा में कार्य निदेशक डॉक्टर एस रामराव ने कहा कि जीवों की परिस्थिति के अनुसार यहाँ समान जारी किए जा रहे हैं। समान राज्य की कृषि निदेशक ने कहा कि उन्होंने किसानों से कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग पर चर्चा की। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 43 सीटें हासिल हुई थी तो वही भाजपा को 23 सीटों से संकोच करना पड़ा था। बसपा ने भी बाजी मारी लेकिन इस बार पहली दफा चुनाव लड़ने आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े करने के लिए और चुनाव मानसून की बना जाने वाली को ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज
شکوه دین رو شکوه بگیر امید مخجبان دست به بسیم سر شرشی رو سی بگیر من شروع بگیم سر شرشان قدم شروع بگیم سهر فریست و حمیس کمار نکیا این سبسر پر کیندری هندی سلسان حیدرآباد سے آئی وشے وشیشجیہ پروفیسر ہیم راج میرا نے کہا کہ ہندی پر کاریشالاؤں کے آیوجن کے علاوہ سلسان نے کئی پاٹھیہ کرم شروع کیے ہیں انہوں نے جانکاری دی کہ الگ الگ پاٹھیہ کرموں کے مادھیم سے اب تک لگ بھگ 8,000 ودیشی ہندی سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر انیتا گانگولی اور پروفیسر وائی شکنتلا اما نے اس پوری ککشا میں ورتمان سی 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 پدھتی اور شکشکوں کے لیے کاریشالہ کے اپدیش کے بارے میں وستار سے جانکاری دی راجکیہ ورشٹھ مادھیمک ودیالیہ ملاکا کی پردھاناچاریہ سنگیتا چاند نے بھی اپنے وچار پرکٹ کیے بوٹگر کے پردرشنی میدان میں اس مہینے کی 13 سے 15 تاریخ تک راجیہ استریہ پردرشنی جانوتل کا آیوجن کیا جائے گا پہلے یہ پردرشنی 26 سے 28 نومبر تک آیوجت ہونے والی تھی جسے خراب موسم کے کارن استھگت کر دیا گیا تھا